बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करना है, मगर इंग्लैंड के लिए जो स्क्वाड का ऐलान हुआ उसमें शुएब मलिक को शामिल नहीं किया। क्या शुएब मलिक को पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड जो है उन्हें पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या नहीं, इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा। जबकि शुएब मलिक ने राशिद खान के हवाले से क्या इंकशाफ किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के जर नजर वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। पेशावर जर्मी के खिलाड़ी शुएब मलिक का मैच में शिकस्त पर कहना था कि लाहौर कलंदर के राशिद खान की बॉलिंग ने हमारी टीम की कमर तोड़ दी। हमारे साथ अहम बल्लेबाजों को राशिद खान ने आउट किया। उन्होंने कहा कि हमने आखिर के ओवर में ज्यादा रन दिए, तवक्को थी कि लाहौर कलंदर 170 तक स्कोर कर जाएगी। उन्होंने कहा कि 170 के बाद भी असल फर्क राशिद खान की बॉलिंग ने किया, टीम की जरूरत के मुताबिक बैटिंग की। शुएब मलिक ने कहा कि टीम को जिस नंबर पर भी जरूरत हुई मौजूद रहा हूँ। डंग और टिम डेविड ने जैसी बैटिंग की उनकी तारीफ बनती है। बेन डंग और डेविड ने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखते हुए अच्छी बैटिंग की। कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि बतौर सीनियर अपनी राइड तैयार हूँ, आपको कोई भी मशवरा दे सकता है, हदफ है कि अपना बेहतर से बेहतर खेल पेश करूं। उन्होंने कहा कि पेशावर को कोशिश करनी है कि अगले मैचेस में बेहतर खेल पेश करे। टीमों के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं, कोई भी आगे आ सकता है।